आज हम देखेंगे टोयोटा इनोवा डीजल मॉडल, इसकी फुल टाइमिंग, ऑयल पंप की, क्रैंक की, हाई प्रेशर पंप की, सभी जो है तो टाइमिंग आज हम बताएंगे आपको। ये सबसे पहले हम टाइमिंग मिला लेंगे एक बार। ये इसका टेस्टनर है, 14 mm के दो बोल्ट लगते हैं इसे। इसे मैच कर टाइट कर लेंगे, उसके बाद आएंगे टाइमिंग की तरफ। पूरी टाइमिंग मिलाना होती है इसी। पिस्टन टॉप पे होना चाहिए, ये टाइट कर लेंगे फुल और बताएंगे आपको टाइमिंग। ये देखिए जो ऑयल पम्प है उसके ऊपर 1 लिखे हुआ है और क्रैंक के ऊपर दो साइड में 1-1 लिखे हुआ है, तो ये दोनों 1 जो है तो 1-1 के बीच में जाएगा। और इधर से जो है तो क्रैंक के ऊपर 5 लिखे हुआ है और जो उसका टेस्टनर उसके ऊपर 5 लिखे हुआ है, तो ये 5 वो 5 के बीच में जाएगा एकदम। और इस साइड में हाई प्रेशर पंप के ऊपर 4 लिखा हुआ है और उस साइड में जो है तो 4 लिखा हुआ है, तो ये 2-4 के बीच में 1-4 जाएगा, देख सकते हो आप। अभी जो है तो एक बार वापस से बता देता हूँ मैं, ये 1 जो 1 है ये 2-1 के बीच में जाएगा इस तरीके से, दोनों 1 के बीच में 1-1 और 5 के बीच में 5 जाएगा, ये देख सकते हो आप। और 4 के बीच में 4 जाएगा इसी तरीके से। ये आपकी गियर की टाइमिंग हो गई है। ये ऊपर कैम शॉप की टाइमिंग है, नीचे 2 डॉट है, ऊपर 2 डॉट है। नीचे के जो डॉट है डॉट को डॉट मिलाना होते हैं और ऊपर के डॉट जो है तो देख सकते हो आप इसी तरीके से छोड़ देना है उसे, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। नीचे के डॉट मिलाना ज़रूरी है और ऊपर के डॉट ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। ये इसके ऊपर का कैप वगैरह टाइट कर लेनी है, ये चेक कर लेना है ये ऊपर है नीचे। सामने के डॉट अगर आपने मिला लिए होंगे तो बाकी सब सही आ जाती है टाइमिंग। बाकी ऑयल सेल वगैरह लगा लेना है और कैम शॉप को अच्छे से टाइट कर लेना है, उसके बाद टाइमिंग बेल्ट लगा देंगे हम। ये टाइमिंग बेल्ट लगा दिया है हमने, ये देख सकते हो ये ऊपर की कैम की टाइमिंग है, एकदम एक्यूरेट है। ऊपर का डॉट और नीचे का डॉट, इसका जो है तो टेस्टनर भी टाइट कर दिया है हमने 10 के बोल्ट वाला। और ये जो है तो इसकी हाई प्रेशर पंप की टाइमिंग है, ये देख सकते हो आप। ये डॉट को ये कट मिलाना होता है हाई प्रेशर पंप के। और ये जो क्रैंक का है यहाँ पर डॉट दिया है एक, उसके ऊपर मिलाना होता है उसे, ये देख सकते हो आप। ये डॉट के ऊपर ही आपकी क्रैंक की टाइमिंग हुई और आपका पिस्टन जो है तो टॉप के ऊपर रहेगा, टॉप पर 1 नंबर और 4 नंबर जो है तो टॉप पर रहना चाहिए। ये आपकी फाइनल टाइमिंग हो गई है, ये देख सकते हो आप। ये अच्छे से चेक कर लेना है कैप वगैरह टाइट करे बाद, और एक राउंड जो है तो घुमाकर चेक कर लेना है इंजन कहीं लॉक हो रहा है या नहीं, बराबर घूम रहा है या नहीं, और फिर वापस टाइमिंग पर लेकर छोड़ देना है।